रामचंद्र भगवान की जय। कारण उन्होंने राज्यपाट त्याग करके वनवास लिया। माता पिताओं की आज्ञा के आगे उसने संसार को कुछ नहीं, वनवास आज संसार में बंटवारे में को एक पैसों को मिले हो ना तो क्या होगा। माता पिताओं के हाथ से कुछ कम रह गया ना तो कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने माता पिता की आज्ञा का पालन कर वनवास लिया, राज्य त्याग दिया, ऋषि मुनियों को सुख दिया, अपने भक्तों को सुख दिया, पापियों का उद्धार किया और संसार में आकर के राम राज्य की स्थापना करी। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका, सब भगवान के राज में कोई किसी से परेशान नहीं था, दुखी नहीं था। समय पर वर्षा होती थी, जब मांगते तब पानी पड़ता था, वृक्षों से जब फल फूल मांगते तभी देते थे। संसार में बहुत बड़ी खुशी हुई। भगवान जैसे आए अयोध्या में सब एकदम खुशी के मारे सब नाचने लगे। जय श्री राम। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की सीता राम दर्श रस बरस जैसे सावन की झड़ी। Thank you.
सगीरे श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन ये भगवान राम का अवतार हुआ। फिर उन्होंने आगे उनके वंशों का वर्णन किया। नयाति नहुष सब जो बन करके जाए वहां मैं आकर के लीला करूंगा, मैं आऊंगा। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुनाया और सभी देवता ब्रज में आए। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर है जनस्यते तद प्रियतम सभवन्तो सुर स्त्रिया।
वसुदेव के यहाँ भगवान साक्षात आएंगे। वसुदेव कलानंदम सैत्र वदनम स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चकीर्षया। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। कहा स्वयं प्रकाश विष्णु भगवान की अनंत कला से शेष नाग जी महाराज श्री कृष्ण चंद्र के साथ लीला करने के लिए बलभद्र के नाम से प्रथम ही वसुदेव जी के घर जन्म धारण करेंगे। फिर देवकी के गर्भ को खींच करके खींचने के लिए और जसोदा को मोह कराने के लिए सब संसार के मन को मोहने वाली परमेश्वर की माया भी भगवान की आज्ञा को मान करके अपने अंशों से सहित यशोदा के भवन में उत्पन्न होगी। सब ब्रह्मा जी को सुनाया। समय आया, देवता ब्रज में चले जाते हैं। तस्यातु कृष्ण छोरिर्वसुदेव क्रद्धो दह देवज्ञायां सूर्यासाद प्राणे रतमारुतः। कंस की अनीति से पूरा संसार भयभीत होता है, अत्याचार करता है, पाप का साम्राज्य करता है। महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु उग्रसेन तो धर्मात्मा था, फिर उनका पुत्र पापी कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज कहने, राजन सूरसेन की पत्नी पवनरेखा एक बार विहार करने के लिए गई और जो दुर्मलिक नाम का राक्षस था उसने उनके साथ में अन्याय किया, छल किया, सूरसेन का रूप धारण करके उनके साथ में छल किया। उन्हीं के अंश से उनके यहां संतान कंस हुआ, इसलिए वो दुराचारी और पापी था, दुष्टों को साथ लेकर के राज करता था, अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, माता पिता को परेशान करता था और माता पिता से राज्य छीन करके उन्हें कारागृह में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन गया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन अपना वैभव बनाने के लिए उन्होंने अपनी बहन जो देवक की लड़की पते प्रग्रहण कंस सामाप्या हा शरीर वाहक अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो अंतायां महसे बुध। हे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू अपने हाथों से विदा कर रहा है ना, उसी देवकी का आठवां पुत्र तुझे मारेगा। इति उक्तं सं खलय पापो भोजानां कुलपांसना भगिनी हन्तमारब्धं कंगपाणे कचे क्रियत। जैसे ही आकाशवाणी को सुना तो दुष्ट कंस ने अपने हाथ में खड़ग लेकर के और देवकी को मारना चाहा। मैं इस देवकी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, रहेगा बांस न बजेगा। जब पुत्र कहां से होगा? वसुदेव आए, वसुदेव ने कहा, हे मित्र इस देवकी को क्यों मारते हो?
इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो तुम्हारी बहन है, अभी तो तुम अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे थे, और ये संसार देख रहा है, तुम अपनी बहन को मारोगे तो कोई क्या कहेगा, और इसमें तुम्हारी क्या बड़मपन होगा? क्या बलवानों का यही काम है कि अबला स्त्रियों पर हाथ उठाए? मैं आपको वचन देता हूं, जो पुत्र इनको होगा मैं आपको सौंप दूंगा। और ऐसा वचन दे करके कंस ने देवकी को छोड़ दिया, और वसुदेव अपनी बरात को लेकर के अपने घर आते हैं, अपने बड़े धूमधाम से विवाह का उत्सव मनाते हैं। तो न विवाह के उत्सव मनन दे तो न विश्राम कर लियो, और नेपाल प्रवाल पानी पानी पी लो, फिर आगे कथा बढ़े। 10 मिनट का ब्रेक है, ओनली ज्यादा नहीं है, ओनली 10 मिनट। 10 मिनट में कहा हो? 10 मिनट में तो 4 बजे बाबा है माला सही कहते कहते हूँ कहीं Hey!
जय श्री राधे। सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन वसुदेव देवकी विवाह के बाद में अपना समय बिताया, देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया, वसुदेव उस पुत्र को लेकर के कंस के पास आता। हेलो, प्रत्यात कुमारो अयनम नहस्मादष्टमे वयम अष्टमाधोर्वर्योगर वसुदेव उस पुत्र को लेकर के कंस के पास आया, कहा हे मित्र कंस, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने पुत्र को तुम्हें दूंगा, ये मेरा पहला पुत्र है, आप इसे ले। कंस ने कहा हे मित्र, मेरा काल तो देवकी का आठवां पुत्र है, इसको तो आप अपने घर ले जाएं, इससे मुझे क्या लेना देना है। नंदाभ्याम ये ब्रजे गोपाया समीशाम से यो सितः वैष्णव वसुदेवाद्या देवकद्यायदो स्त्रिया। जैसे कंस ने वसुदेव देवकी के पहले पुत्र को कहा आप इसे ले जाएं, इससे मेरा कोई बैर नहीं है, मेरा काल तो तेरा आठवां पुत्र है, उसे मारूंगा, ऐसा कह करके वसुदेव अपने पुत्र को लेकर के चला गया। उसके बाद में देवता देखते हैं सब, नारद जी कंस के पास आते हैं, नारायण 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 बजे भाई रे। Thank you.
पास नारद जी आते हैं। कंस ने उनको प्रणाम किया। कंस ने कहा, हे देवर्षि, आप कैसे आए? आपकी बड़ी कृपा हुई। नारद जी ने कहा, कंस, तुम जैसा मूर्ख मैंने नहीं देखा। कंस ने कहा, क्यों? इसलिए आपने वसुदेव के पुत्र को वापस भेज दिया। कहा, इससे मेरा क्या है? मेरा काल तो आकाशवाणी के द्वारा देवकी का आठवां पुत्र था। नारद जी ने कहा, कंस, तुम बहुत पहले से जानते हो इस बात को, तुम जानते हो कि मैं पहले जन्म का कालनेमी हूं और देवता हमेशा छल करने में माहिर है। उन्होंने एक चक्र बनाया, उसमें बिंदी रखी आठ। कंस से कहा, अब बताओ इनमें कौन सी आठ भी है? एक चक्र में आठ बिंदी रख करके कहा, अब ये बताओ इसमें आठवीं बिंदी कौन सी है? जहां से गिनोगे वहीं आठ हो जाएंगे। और कहा, हे कंस, सर्वे देवता प्राया उभयोरपि भारत जातयो बंधु सहृदो ये च कंस मनोव्रता। हे कंस, जितने नंद के वसुदेव के जो आसपास है ना, जितने ब्रज में जिनके रिश्तेदार आसपास है, वो सब देवी देवता है। देवी देवता वसुदेव के आसपास अपने रूप धारण करके परिवर्तन करके आ गए हैं और इन देवी देवताओं का कभी कोई भरोसा मत करना। नारद जी ने कंस को समझाया, जितने ये हैं ब्रज में सब देवी देवता, भगवान का विष्णु का कभी भरोसा मत करना, देवताओं का कभी भरोसा मत करना, कब छल कर जाए। कंस कहने लगा, ये बात तो सही है। कंस ने उस बालक को बुलाया और देवकी वसुदेवं च निग्रह निगंडेर ग्रहे जातम जात महरम पुत्रम तयो रजन संकया। कंस ने उनके पुत्र को लेकर के मार दिया और वसुदेव देवकी को दोनों को हाथों में हथकड़ी पांव में बेड़ी डाल करके और कारागृह में बंद कर दिया। वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया, अपने माता पिताओं को भी कारागार में डाला उसने। फिर उससे कौन बचता है? श्री सुखदेव जी महाराज करने लगे। कुछ समय के बाद में जितने पुत्र होते सबको मारता जाता था। साप्तमो वैष्णवम धामम यमनंतम प्रचचते गर्भो बभूव देवक्यायाम हर्षसो कविवर्धन। तब विष्णु भगवान की कला शेष जी जिनका नाम कहते हैं, सातवें देवकी के गर्भ में आते हैं और यह गर्भ देवकी को हर्ष और शोक का बढ़ाने वाला आनंद रूप भगवान का अवतार होगा। इस बात का तो हर्ष था, परंतु पहले के बालकों के समान इस बालकों को भी कंस मार डालेगा, इस बात का शोक होता था देवकी को। जब बालक गर्भ में आता तो प्रसन्नता होती, उसे याद आती कि कंस मार डालेगा, तो उसे दुख होता।
भगवान की आज्ञा से योग माया ने देवकी के सातवें गर्भ को खींच करके और रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोलो संत भगवान की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवकी के गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। पहरेदारों ने कहा कंस से जाकर के, महाराज देवकी का तो गर्भ ही नष्ट हो गया। कंस हंसने लगा, देखो मेरा कितना भय है, अब तो इतना भय बढ़ गया है कि बालक गर्भ में आते ही भाग जाता है कि बाहर आऊंगा तो मारा जाऊंगा। खुशी मनाने लगा, उधर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। रोहिणी ने मन में घबराए, नंद बाबा से कहा ये सब क्या है। उन्होंने गुरु के पास जाकर के पूछा, गुरु ने बता दिया कि चिंता मत करो जी, योग माया का तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। संसार कहेगा कि नंद के यहाँ रोहिणी रहती है, वसुदेव जी तो कारागृह में, फिर इनके या संतान कैसे। ये सब भगवान की माया है, चिंता मत करो। और उनको शांत किया। गर्भे प्रणीते देवज्ञम रोहिणी योगनिंद्रयः अहो स्त्रियंसितो गर्भयति पौरावचोक्रसोः। जब वहां सातवां गर्भ रोहिणी के यहाँ पहुंचा शेष नाग के अवतार से, और श्रावण सुदी 14 बुधवार को बलदेव जी ने गोकुल में जन्म लिया। श्रावण सुदी 14 बुधवार को बलदेव जी ने गोकुल में जन्म लिया। हमारे ठाकुर राम स्वरूप जी ने महाराज जी का 2100 रुपए की जो माला से स्वागत किया है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। योग माया ने बसदेव देवकी को सपन में दिया, सपन दिया कि मैंने तुम्हारे पुत्र को ले जा करके रोहिणी को दे दिया। जब उनको संतुष्टि हुई, जब आठवें गर्भ की बारी आती, भगवान जिसकी आकाशवाणी हुई, भगवान का आने का समय हुआ। सा देवकी सर्व जगत निवास निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहया अग्निशेव रुद्रा सरस्वती ज्ञान खले यता सती। जब जैसे घट के भीतर छिपे हुए दीपक का प्रकाश नहीं होता, ज्ञान वंचक पुरुषों में छिपी हुई विद्या दूसरे लोगों को आनंद नहीं दे सकती, वैसे ही सारे जगत के निवास स्थान रूप भगवान का निवास स्थान रूप होने पर भी कंस के कैद खाने में बंद होने के कारण दिखाई नहीं देता। जैसे ही आठवां गर्भ आया, माता देवकी के गर्भ में आया, तो सभी देवी देवताओं ने गर्भ में आकर के देवताओं
ने स्तुति करी। सत्य व्रतम सत्य परम त्रसात्यम सत्य योनि नहेतम च सत्ये सत्यस्य सत्यम कृतम सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वा शरणं प्रपन्ना। सब कुछ सत्य सत्य होता था, सब देवताओं ने आकर के सत्य संकल्प और सत्य नारायण भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में पृथ्वी जल पवन तेज आकाश इन पंचभूतों के कारण रूप वो पंचभूतों के विनाश होने के समय आप ही अविशिष्ट रहते हैं और समदृष्टि और मनोहर प्राणी प्रवर्तक और ज्ञानियों के प्रेरणा करने वाले सत्य रूप आप ही हो। सब भगवान की आकर के स्तुति करने लगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा हो स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा भगवान का स्वागत किया। निशीते तम उद्भूते जायमान जनार्दन देवक्याम देवरूपिण्यम विष्णु सर्वगुहाशय। इस प्रकार भादोपदी अष्टमी बुधवार भादोपदी अष्टमी बुधवार आदि रात रोहिणी नक्षत्र में देव रूपिणी देवकी की कोख में सर्व अंतर्यामी भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। तमादभुतम बालकम मां भुजे चरम चतुर्भुजम शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवासलचणम् कलशोभिकोष्ठभम् पीताम्बरम् सान्द्रपयो दशोहवम्। देवकी के सामने भगवान स्वयं चतुर्भुज शंख चक्र गदा पदम कौस्तुभ मणि धारण किए हुए पीतांबर धारण किए हुए सामने प्रकट हुए और कहा हे मां
मैं आ गया, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आ गया, देवकी प्रार्थना करने लगी, प्रभु तुम मेरे पुत्र के रूप में आओगे, इतने बड़े पुत्र को कैसे स्वीकार करोगे, और कंस तुम्हें मार देगा, पता है तुमने तुमसे पहले मेरे 7 गर्भ नष्ट हो गए, 6 पुत्रों को तो मेरे सामने ही मार डाला, हे देव देवेश्वर, दुष्ट कंस ने तुम्हारे जन्म का वृतांत हमारे घर में सुनकर के आपके बहुत भाइयों को मार डाला, मनुष्य उस दुष्ट से कह देगा कि आपका अवतार हुआ है, तो वो सुनते ही शस्त्र हाथ में लेकर के चला आएगा और तुमको भी मार डालेगा, इसलिए प्रार्थना करती हूँ तुम चले जाओ यहां से। भगवान ने कहा, मां मुझे कंस नहीं मार सकता, अगर तुम्हें इतना ही भय है तो मैं तुमको उपाय बता दूं, और कहा हे मां मैं पहले जन्म में तुम्हें वरदान दे करके आया। भगवान वाच तमेव पूर सर्गे अभू प्रश्न स्वाम्भयो भवेशति तदायं सुतपानाम प्रजापतिर्कल्मष। भगवान कहने लगे कि पहले आप सुतपा और प्रश्न नाम से थे, तब आपने तपस्या करी और मैंने आपको वरदान दिया कि 3 बार तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, तुम सुतपा और प्रश्न थे पहले जन्म में, हे माता अगर आप चाहें तो आप उद्धार का कल्याण का वरदान मांग सकते हैं, उनको याद करा। देवकी ने कहा, प्रभु अगर मैं मुक्ति चाहती तो मैं तभी मांग लेती, परंतु मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपकी लीला चाहिए मुझे। भगवान ने कहा, तो ठीक है, आपको भय लगता है तो युवा माम पुत्र भावेनम ब्रह्म भावेन चास्कृतम चिंतयन्तो कृतस्नेयो यास्ते मदीगति परायण। जब आपकी इच्छा है, चाहे पुत्र भाव से मेरा सम्मान करो, चाहे ईश्वर भाव से मेरा बयान करो, मुझसे स्नेह करोगे तो परम गति को प्राप्त होगे, और जो तुमको कंस का यह भय है कि मेरे इस पुत्र को भी यह दुष्ट मार डालेगा, तो तुम मुझको गोकुल में नंदराज जी के यहाँ पहुंचा दो। वसुदेव ने कहा, प्रभु मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बीड़ी, और मैं कैसे तुम्हें ले जाऊंगा। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरा स्पर्श तो करो, जीव संसार में माया का स्पर्श करता है तब बंधन में पड़ जाता है। तब कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्तन्ते यता तमोरवे कबरस पर्जन्य पांस। जैसे ही भगवान का वसुदेव ने स्पर्श किया, उठाया, वैसे हाथों पैरों के बंधन कट गए। भगवान का स्पर्श होता है, भगवान की कृपा होती है, तो संसार के सभी बंधन कट जाते हैं, और माया का स्पर्श होता है तब बंधन में जीव पड़ जाता है। वसुदेव ने भगवान की योग माया ने सभी पहरेदारों को सुला दिया। आधी रात का समय, बादल हो रहा है, शीरी हवा चल रही है, बिजली कड़क रही है, नैनी नैनी बूंदे पड़ रही है,
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और पहरेदारों को नजर आई, किवाड़ खुल गए, हथकड़ी खुल गई, वसुदेव कन्हैया को लेकर के गोकुल के लिए जाते हैं। और बहुत इतनी वर्षा होती है, यमुना जी असरार बहती है, यमुना जी मुड़ करके गोकुल में नंद के भवन में पहुंचते हैं। वहां नंद राजी के यहाँ कन्या उत्पन्न होती है, उसे लेकर के आते हैं, श्याम सुंदर को वहां रखते हैं। जैसे ही माया को लेकर के आए, किवार खुल गए, वो सब बंद हो गए, हाथों की हथकड़ी बेड़ियां लग गई, पहरेदार जग आए, कन्या रोने लगी। तब मालूम पड़ा, कंस के जाकर कहा कि देवकी के यहाँ तो कन्या का जन्म हुआ है। कंस ने आकर के देखा, ऐसा नहीं हो सकता, परंतु ये देवताओं की चाल हो सकता है। देवता समुद्र मंथन के समय पर भी विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था, हो सकता है मुझे भरमाने के लिए ये लड़की बनकर के आया हो, परंतु मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इस लड़की को भी मार दूंगा। जैसे ही उठाया, देवकी ने मना किया, भैया ये तो कन्या है, कन्या को क्यों मारते। जैसे ही कंस ने उठा के पटकना चाह, हाथों से छूट करके चली गई, आकाश में अष्ट भुजा धारण कर कहने लगी, ए दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला ब्रज में आ गया। जैसे गोकुल में पता लगा सुबह कि जसोदा मैया के पास में लल्ला सो रहा है, सब नगर में धड़ोरा पिट गया, यशोदा मैया ने लाला को जन्म दिया है। तब तो गोकुल में बहुत हंसी खुशी होने लगी, बधाइयां होने लगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, तो बार बधाई लोगो, सो बार बधाई लोगो। हमारे घर में लाला का जन्म होता है तो हम इतनी खुशियां मनाते हैं, यहाँ तो हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ है, भगवान का जन्म हुआ है, तो सभी झूमते हुए और तालियों की सेवा करते हुए चलेंगे। नहंदे झुके नंद झुके, Thank you.
जो बधाई लुटाने वाले हैं, ये बधाई आप यूं ही ना फेंकें, ये जितनी भी जो टोपियां वगैरह हैं आपके पास में ला के रखे हैं, महाराज जी सबको बांट के रखे हैं। हेलो सभी माता बहना से मिलेंगे को रहे हो रहा है पानी में रुक रही है बाटू तो सकते हैं बात फूल और फूल बच्चे के बामे नहीं है आग में नहीं आए बेटा ऐसे चमत्कारिस्ता हो गया लोगों को कोई बात नहीं रहा नंद झुके नंद झुके Thank you.
नहंद झुके नहंद झुके नहंद झुके सभी माता बहनों से निवेदन है, अपना हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए, अपने अपने बच्चे को संभाल के रखें और इधर से चल करके आए हमारे नवल सिंह नेताजी तांतिया के प्रावाले कृष्ण जी की 505 रुपए से भेंट कर रहे हैं। सभी माता बहनों से निवेदन है कि कृष्ण जी को जुलाने एक एक से आएंगे, सब माता बहना कृष्ण जी को जुलाएंगे, एक एक से आएंगे, बप्पा नहीं करेंगे। इधर से हमारे भूतपूर्व परिचर चल करके आए पन्नू के पुरा से कदम सिंह कुशवाजी, कुशवाजी आए, उन्होंने भी नोटों की माला से फूल मालाओं से स्वागत किया। इधर से नारायण का गुणगान हो रहा था, महाराज जी कर रहे थे, तो हमारे ये नारायण सिंह खुद पर पुराने परिजन, उन्होंने भी केला और फूल माला नोटों की माला से बढ़िया बढ़िया स्वागत किया हमारे महाराज जी की ओर से। सभी तीनों परिजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। मेरो लाला झूले पर मेरो लाला झूले पर जो भी
जहां तक हो सके मुझे क्षमा करना, मैं क्षमा के योग्य तो नहीं। वसुदेव और देवकी के बेड़ियों को कटवा करके उनको घर भेज दिया। वसुदेव देवकी चले जाते हैं, बाद में अपने मंत्रिमंडलों को बुला करके विचार करता है कि अब